वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एम्प्लॉयज वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉय के बीच का डिफरेंस। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फर्स्ट एम्प्लॉय, सो एम्प्लॉय के एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं इसमें आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट में आ जाता है इसका आपका टाइम। देखिए अगर कोई भी एम्प्लॉय कैसे पैसा कमाता है, एम्प्लॉय पैसा कमाता है अपना टाइम सेल करके। 8 to 12 आवर्स डेली वो अपनी टाइम की सेलिंग करता है। एनीवे वो किसी भी कंपनी में जाके जॉब करता है तो वो डेली जाता है मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, और डेली 8 to 10 आवर्स वो डेली वर्क करता है। और इसी बीच में ये जो काम करता है वो अपनी कंपनी के लिए वर्क करता है और कंपनी को ग्रो करता है, कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करता है। यही एम्प्लॉय का वर्क होता है। सो एम्प्लॉय जो होता है वो पेचेक टू पेचेक वर्क करते हैं, यानी कि जब वो 30 दिन काम करते हैं सो फाइनली उन्हें एक पेचेक मिलता है, ठीक है। सो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, देखिए एम्प्लॉय के साथ प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जो उसका पेचेक मिलता है वो ईयर में ओनली 12 टाइम्स मिलता है, यानी कि ईयर में ओनली 12 बार मिलता है। और सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं उनके पेचेक की कोई सीमा नहीं होती, है ना। सो ये पॉइंट मैं सेल्फ एम्प्लॉय में बताऊंगा कि उनके पेचेक की कोई सीमा क्यों नहीं होती। सो एम्प्लॉय के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि जैसे ही उसको पेचेक मिलता है तो उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर जो कैश फ्लो की जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए एक एम्प्लॉय की अगर सैलरी 20,000 रुपये है, मान के चलते हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 रुपये है, तो 20,000 रुपये सैलरी जैसे ही उसके अकाउंट में आती है तो देखिए सबसे पहला जो होता है गवर्नमेंट अपना टैक्स काट लेती है। तो गवर्नमेंट अगर टैक्स काट लेती है तो मान लो गवर्नमेंट ने 2,000 रुपये टैक्स काट लिया तो बचे 18,000 रुपये। ये मैं आंकड़े केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज इन आंकड़ों का कोई प्रूफ नहीं है ना। तो 2,000 रुपये आपका टैक्स कट गया, ठीक है। उसके बाद वो खाना खर्चा कुछ तो करता ही होगा, तो मान लो कि 5,000 रुपये उसका खाना खर्चा हो गया महीने का, तो 18,000 में से आप 5,000 घटा दीजिए, 18,000 में से 5,000 कम हो जाते हैं तो 13,000 बचते हैं, ठीक है। तो 13,000 रुपये उसके पास अब अमाउंट बचा, तो उसका खुद का भी कुछ खर्चा होगा, सेल्फ खर्चा भी होगा। मान लीजिए 100 रुपये रोज़ का उसका खुद का खर्चा है, ठीक है, तो 100 रुपये रोज़ के हिसाब से 3,000 रुपये महीना बैठ गए, तो 13 में से 3 घटा दीजिए तो 10,000 रुपये बच गए, ठीक है। 10,000 रुपये के बाद अब उसके आप जाते हैं कि EMI वगैरह भी वो कुछ ना कुछ पे करता ही होगा। सो EMI वगैरह मान लीजिए चलो 3,000 रुपये उसकी EMI होगी, तो 10 में से आप 3 घटा दीजिए तो 7,000 रुपये बचे। 7,000 रुपये बचने के बाद वो रेंट वगैरह भी तो कुछ देता ही होगा, या फिर अपने घर में रहता होगा तो उस घर का मेंटेनेंस भी तो कुछ होता ही होगा। एनीवे लास्ट में जाके उसके पास वही थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है, जो पैसा वो अपने एमरजेंसी फंड या आपका बैंक में रखता है, ठीक है। बैंक में भी रखता है तो दो तरीके से रखता है, एक तो एमरजेंसी फंड हो जाता है उसका, और एक हो जाता है उसका सेविंग अकाउंट FD वगैरह, ये सब हो जाता है। तो एंड में जाके लगे हाल उसके हाथ कुछ ज़्यादा खास बच नहीं पाता, जिस वजह से एम्प्लॉय की जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, है ना। 8 to 10 आवर्स तो वो किसी कंपनी के लिए काम करता है, और कंपनी से काम करने के बाद जब वो घर पर आता है तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियली भी उसके साथ दिक्कत आती है। सो आपने देखा होगा कोई भी किसी भी कंपनी के बड़े एम्प्लॉय होते हैं आखिरकार एंड में जाके फाइनेंशियली उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यही इनका खास डिसएडवांटेज मुझे लगता है। सो जो बचा कुछ पैसा होता है वो एम्प्लॉय बैंक में रखता है, एमरजेंसी फंड में, है ना, और आपका FD वगैरह में। देखिए बैंक उनके साथ कैसे गेम प्ले करता है, देखिए आज की डेट में इंडिया का इन्फ्लेशन लेवल जो है वो लमसम 6 to 7% है, ठीक है। और एक FD पे बैंक आपको कितने परसेंट का इंटरेस्ट देता है, 7.5% और 7%, यानी कि महंगाई की दर जो है वो 6% है और बैंक आपको ब्याज दे रहा है 7.5%, वो भी आपका पैसा वो ब्लॉक कर देता है 3 से 4 साल के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि 1.5% का आपको बेनिफिट हो रहा है, यानी कि अगर आपने 1,00,000 रुपये आज बैंक में डाला और 3 साल बाद जब आप उस पैसे को निकालते हैं तो आपका केवल इंक्रीज होगा 1.5%। तो यानी कि जब 3 साल बाद आप उस पैसे का यूज करोगे तो महंगाई की जो दर जो है वो बढ़ चुकी होगी और वो पैसा आपका ऑलमोस्ट जीरो हो चुका होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बैठता है एम्प्लॉय के पीछे, क्योंकि वो अपना पैसा बैंक में रख सकता है और गोल्ड में रखता है ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ है, तो उसका पैसा जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं हो पाता। तो पैसा जो है उसका कमाता भी वही है, टाइम भी वही लगाता है, और बैंक में रखने के बाद पैसा खत्म भी वो खुद ही कर देता है। सो ये डिसएडवांटेज है इसके साथ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय के साथ। इसी के साथ ही एम्प्लॉय में अगला पॉइंट आ जाता है, दे डिंट हैव एनी अदर टैलेंट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय है ना,
जैसे उसने बीटेक किया है आपका सीएस ब्रांच से तो वो टेक्निकल में जाएगा, बीटेक किया है सिविल से तो वो कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएगा, एमबीए किया है उसने एचआर से तो वो एचआर का अपना डिपार्टमेंट संभालेगा। तो इसमें क्या होता है कि देखिए ऐसे आपके जैसे और भी तो बहुत लोग होंगे जो ये कोर्सेज कर रहे होंगे, तो जो और लोग ये सब कोर्सेज कर रहे हैं तो वो भी आपके कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं एक ना एक तरीके से, है ना। और इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुका है और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और कोर्सेज वही गिने चुने दो चार कोर्सेज हैं, नया कोई ट्राई करने की सोचता नहीं है, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा आ जाता है जिस वजह से इनके सामने बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ जाता है। या फिर अगर इनके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है तो कोई आदमी अगर 50,000 रुपये का है तो वो 25,000 रुपये में ही अपने आप को सेटल करता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, है ना। आप छोड़ के चले जाओ मेरे पास तो 10 और खड़े हैं, सीधा कंपनी का ऑनर सीधा बोलता है कि आप जाओ मेरे पास तो 10 और खड़े हैं, है ना। तो आपने देखा होगा जिस कंपनी में 5 से 10 साल अभी एम्प्लॉय को जाते हैं उन्हें भी कंपनी फायर कर देती है, क्यों? क्योंकि वो क्यों आपको 1,00,000 रुपये देगी जब उसको 25,000 रुपये में 4 एम्प्लॉय मिल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये इनके साथ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि उनके पास कोई अदर टैलेंट नहीं होता। अब जैसे ही आप फायर हो जाएंगे या कोई भी एम्प्लॉय फायर हो जाता है, मैं ये नहीं कहता आप ही, कोई भी एम्प्लॉय फायर हो जाता है तो उसके सामने क्या दिक्कत आती है, क्योंकि उसके पास गिना चुना वही एक टैलेंट है जो उसने डिग्री हासिल की है और उसके बिहाफ पे जो उसने काम किया है। सो उस टैलेंट के बेस पे तो केवल आप जॉब ही कर सकते हैं ना, क्योंकि जो भी बनी है उसके लिए, अदरवाइज और कुछ तो बना नहीं है। तो अदर वो और कोई काम नहीं कर पाता, है ना, उसका माइंडसेट अदर कोई काम करने का नहीं होता, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है फाइनेंशियली भी और उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है। अगर उसके पास कोई अदर इनकम सोर्सेज नहीं खड़े होते तो उसकी फैमिली जो है वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है जिसकी कोई हद नहीं। सो ये एम्प्लॉय के साथ एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसके पास कोई अदर कोई टैलेंट नहीं होता, है ना। सो अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, अपने अंदर अलग अलग टैलेंट बनाइए ताकि आपकी कंपनी भी आपको छोड़ ना पाए, और अगर कंपनी छोड़ भी देती है तो धक्का मारो, अपना कोई काम आप कर लो, है ना, तो वहाँ से आप अपना पेट पाल लो और अपना काम अपना चलता रहे। सो इसी के साथ इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एम्प्लॉय में कॉरपोरेट पॉलिटिक्स, है ना। देखिए कोई भी एम्प्लॉय होगा वो 8 to 10 आवर्स डेली काम करता है ना, लेकिन क्या है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने के रीज़न की वजह से उसे पॉलिटिक्स का बहुत सामना करना पड़ता है। देखिए मैंने बहुत सी कंपनीज में विजिट किया है, पेटीएम, ओयो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी आपने नाम सुना होगा ऑलमोस्ट सब में मैं गया हूँ, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो ये एम्प्लॉय होते हैं ये अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी डेजिग्नेशन बचाने के लिए एक बहुत तकड़ी पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा इसने मेरे खिलाफ ये बोला, चल मैं तेरे खिलाफ ये लगाता हूँ, मेरे मैनेजर ने ये बोला, उसके मैनेजर को ये लगा दिया, इधर की बात उधर लगा दी, उधर की बात इधर लगा दी, और उस चीज़ को मैनेज करने में रहते हैं। देखिए इसके साथ सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है, ये एक भ्रम है ना, पॉलिटिक्स एक भ्रम है, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स एक भ्रम है ना। देखिए आपने जॉब छोड़ी वो सारा का सारा सिस्टम खत्म हो गया, और जो आपने पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स करते हुए वहाँ पे टाइम खराब करा ना, वो आपकी ज़िंदगी का प्रीशियस टाइम खराब हो चुका। उस टाइम को आप अपने अंदर कोई टैलेंट एक्वायर करने में या टैलेंट बनाने में लगा सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसे पॉलिटिक्स में खराब कर दिया, इसकी ले उसकी ले, इधर ले चुगली ले वो चुगली ले। गॉसिप से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, ये चीज़ खाने के लिए नहीं देती, अगर खाने के लिए ये चीज़ देती ना तो इंडिया में हर आदमी करोड़पति होता, क्योंकि यहाँ पे तो गॉसिप का आपको पता ही है कितना ज़्यादा है। तो ये कॉरपोरेट पॉलिटिक्स है, ये बहुत ख़राब चीज़ है इसके अंदर, और एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये चीज़, है ना। अब कंपनियाँ संभलती जा रही हैं, कॉरपोरेट पॉलिटिक्स पर बैन लगाया जा रहा है ना, इधर उधर की बातें जो करती हैं उन्हें कंपनियाँ पहले ही फायर कर देती है, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। सो इसी के साथ सेकेंड पॉइंट आ जाता है आपका सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। फर्स्ट में हमने एम्प्लॉय कवर करा, इसमें हम करेंगे सेल्फ एम्प्लॉय। देखिए सेल्फ एम्प्लॉय का नाम से ही पता चलता है कि खुद का कर्मचारी, है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉय क्या होते हैं, वो किसी की जॉब ना करके, है ना, किसी कंपनी या संस्था में काम ना करके वो खुद का काम करते हैं, अपना काम करते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल के लिए लॉयर, है ना, लॉयर एक वकील है, वो एक डिग्री करता है, प्रैक्टिस करता है, लेकिन फिर वो एक ऑफिस खोल के बैठता है और खुद का काम करता है अपना, है ना, उसके क्लाइंटेशन वगैरह वो सब खुद के होते हैं और वहीं से वो ग्रो करता है, है ना। आपके बाहर जो गली मोहल्ले में जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो खुद का काम करता है, उसने अपनी दुकान खोली और उस दुकान के अंदर सामान रखा और उसे वो सेल करता है अपनी लोकल मार्केट के अंदर, तो वो अपना टाइम खुद के काम में दे रहा है, वो खुद का काम ग्रो करता है, है ना जी। और एक डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर क्या करते हैं, वो कहीं जॉब ना करके कहीं छोटा अस्पताल खोल लेंगे अपना, या किसी के अगर यहाँ पे अगर जॉब भी करेंगे तो वहाँ पे भी 70-30 के रेशो में काम करते हैं, यानी कि जो भी वो सर्जरी करेंगे जो भी कुछ भी करेंगे 70% डॉक्टर रख लेता है, 30% वो संस्था को दे देते हैं। तो इस तरीके से आप खुद का काम भी कर सकते हैं, है ना।
तो ये बहुत सारे तरीके हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, तो जिससे आप खुद का काम भी कर सकते हैं। एनी वे आपके अंदर कोई स्किल है तो आप freelancer.com पे जाके आप वहाँ पे भी खुद का काम कर सकते हैं। आपको ऐप डेवलपमेंट आता है, आपको कोडिंग आती है, आपके अंदर अदर कोई भी स्किल है, आपको कोई लैंग्वेज आती है, तो आप freelancer.com पे जाके अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप खुद का काम कर सकते हैं। एनी वे 24 आवर्स में किसी भी टाइम आप ये काम कर सकते हैं, है ना। तो सबसे बढ़िया खास बात इसमें ये रहती है कि आप किसी कंपनी में जाके रोज सूट वूट पहनो, बूटेड वूटेड हो, ये ना जाके काम करना 8-10 आवर्स, उससे छुटकारा मिल जाता है। और डेली आप 4-5 घंटे खुद का काम करके अपने ही घर में रह के और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, है ना। ऑनलाइन भी आप पैसा कमा सकते हैं इस चीज़ में खुद का काम करके, वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा है ये, और ऑफलाइन भी आप खुद का काम करके कमा सकते हैं। लॉयर, डॉक्टर, भारत आपका शॉपकीपर हो गया, ये सब लोग जो है ऑफलाइन खुद का काम करते हैं, है ना। और ऑनलाइन काम करने के इसके क्या तरीके हैं, यूट्यूब हो गया आपका, ब्लॉग्स हो गया आपका, वेबसाइट हो गया आपका, फ्रीलांसर वेबसाइट्स हो गई, यहाँ पे जाके आप खुद का काम ईजिली कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। एनीवे मैं आपको सलाह दूंगा, गूगल कीजिए सेल्फ एम्प्लॉय टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉय के बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे जिससे आप कर सकते हैं, और ये आपको करना बहुत ज़रूरी भी है ना। देखिए, एम्प्लॉय रहेंगे तो आप किसी ना किसी संस्था के एक तरीके से उसके गुलाम रहेंगे, है ना, वो कभी भी आपको निकाल सकता है। लेकिन आप खुद का काम करेंगे तो आप एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेंगे, है ना, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका तजुर्बा बढ़ेगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा खुद का। सो आप खुद का काम करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ना टाइम की नहीं आएगी, है ना। डेली जाना सूटेड बूटेड हो गए तो एक फिक्स टाइम हो जाता है कि 10 बजे तक मुझे पहुँचना ही होता है, लेकिन अगर आप खुद का काम करते हैं तो आप फ्री हैं 24 आवर्स में, किसी भी वक्त काम कर सकते हैं आप ऑनलाइन, ठीक है। और ऑफलाइन अगर आप काम कर सकते हैं तो वो भी आप सुबह 11-12 बजे से लेकर अपना शाम को 3-4 बजे तक काम अपना फिनिश कर सकते हैं, और एक ना एक माइंड पे एक बर्डन नहीं रहता है किसी का, तो यही सबसे ज़्यादा इसकी खासियत है, तो यही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो मैं प्रीफर करता हूँ कि आप एम्प्लॉय से हटकर पहले सेल्फ एम्प्लॉय पे जाएं, और इसके बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बिजनेस वर्सेस इन्वेस्टर, सो वो वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि इसके बाद सेकंड स्टेप वही है। सो इस वीडियो को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।